नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को शाम 4 बजे एसवाईएल को लेकर अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे। वहीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे, और साथ ही बैठक में मुख्य सचिवों समेत तमाम अधिकारी भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसवाईएल का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद लगातार इस पर बैठकें हो रही हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि कक्षा 6, 7 और 8 की किताबों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है, और साथ ही एग्रीकल्चर की परचेज को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं बैठक में कई और फैसलों पर भी मुहर लगी। मंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में जो हाई पावर कमेटी, उसमें अपने जो बुक्स हैं 6, 7, 8 इनकी बुकों की परचेजिंग थी, और दूसरा एग्रीकल्चर की परचेजिंग थी, बाकी सब कमेटी की मीटिंग थी। और इसमें जो कि अपने जो अपने एग्रीकल्चर संबंधित शिक्षा संबंधित उनकी परचेजिंग की गई, और क्यों समय है उसे समय भी क्यों आने वाले समय पेपर हैं, एग्जाम होने वाले, और जल्दी जल्दी इनकी किताब परचेज कर जल्दी बच्चों को देने का। चंडीगढ़ में बीजेपी के संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के बीच अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि ये बैठक संगठन की मजबूती को लेकर हुई है, और जल्द ही संगठन में बदलाव की सूची भी जारी हो सकती है, जिसके बाद बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की गई। हमारा का सारा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार पंजाब के नेता जो बात कर रहे थे, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे, और इसको लेकर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने की है, क्योंकि पहले वाली यात्रा से एक भी पत्ता नहीं हिला और अब कुछ नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सरकारी पैसा वेस्ट किया गया, और इस पर विज ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का ना होकर देश का होता है। वहीं खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन इतनी छोटी बात भी समझ नहीं आती। ये मेरे खेत पर कब जा लगकर, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है ना, तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। क्या ना है, ये मेरे खेत पर कब जा लगकर है, ये मैटर। हरियाणा के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि विकसित भारत संकल्प अभियान पूरे हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, और इस अभियान के तहत एक स्थान पर आम लोगों के बुढ़ापा पेंशन बनाना, परिवार पहचान पत्र बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने जैसे कार्यों को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से तेजी से निपटाया जा रहा है। और ये बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प अभियान और हर घर को जल अभियान के तहत टैंकर वितरण समारोह के दौरान कही। बता दें कि राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का बयान है, लोगों के लिए लाभकारी बीजेपी की यात्रा, वहीं कल्याणकारी योजनाओं का
लोगों को लाभ मिल रहा है। भिवानी की तस्वीरें हैं जहां पर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बता दें कि भिवानी की तस्वीरें हैं जहां राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का बयान सामने आया है और योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और हमारी टीम का नाम युवा स्वच्छता जन सेवा समिति है, जिसके कार्यों की सराहना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की है और दिल्ली मेट्रो में भी की है। और सर आज क्या था? आज माननीय डीपीओ साहब ने हमें टैंकर दिया है और हमने पहले इनको डिमांड रखी थी, हमें गांव में हम पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उन पेड़ पौधों के लिए और गाँव में जितनी भी लड़कियों की जो बहन बेटियों की शादी होती है ना, उन्हें हम टैंकर खड़ा करते हैं पानी का भर के खड़ा। विकसित भारत जन संकल्प और संपर्क विभाग अभियान के तहत 6 टैंकर आज दिए हैं ग्राम पंचायत दुलेड़ी। वो तो एक ये लड़कियों ने एनजीओ बनाया है, बड़ा अच्छा है, उनका प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है। दुलेड़ी गांव का मुझे तो फख्र है कि भिवानी जिले के गांव को प्रधानमंत्री ने अपने स्वच्छता के लिए, और ये जहाँ तक टैंकर का सवाल है इसी तरह शिवानी म्युनिसिपल कमेटी को दिए। अंबारा की नगर निगम में आज एक बार फिर विधायक असीम गोयल ने कहा कि खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया और दोपहर 1:23 से लेकर 3 बजे तक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और सालों से लटके हुए लोगों के काम चंद मिनटों में करवा दिए गए। वहीं भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। विधायक असीम गोयल ने कहा कि आज लगभग 60 लोगों की शिकायतें उनके पास आई हैं। वहीं कुछ अधिकारियों के कार्यशैली को लेकर भी मिल रही शिकायतों को लेकर विधायक ने कहा कि मंत्रालय में पत्र लिखकर उनका समाधान किया जाएगा। लगभग 7 के करीब शिकायतें आई हैं, कहीं 5-6 शिकायतों का तो मौके के ऊपर ही समाधान हुआ है। बाकी अधिकारियों को निर्देश यही दिए हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, अधिकारी भी और हम भी, पब्लिक ही इस लोकतंत्र में मालिक होती है और पब्लिक को बार बार अपने काम करवाने के लिए आना पड़े तो कोई अच्छी बात नहीं है। तय समय के अंदर और तय सीमा के अंदर भी ये काम करके दें, किसी को कोई समस्या नहीं आनी। तो मेरी आईडी गलत थी, उसके लिए मैं आई थी, मेरे पास अब काम हो चुका है, सर ने कर दिया है काम। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे साल हो गया एक आते हुए। मेरे घर का जो न्यू मंडी टाउनशिप में पड़ता है हुड्डा के अंदर, उसका कमर्शियल टैक्स आ रहा था, उसको रेजिडेंशियल कराने के लिए मैंने आज माननीय ऑनरेबल असीम गोयल जी से मिला हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ये ठीक हो जाएगा। हरियाणा के लगभग 3,000 सरकारी डॉक्टरों ने मांगों को लेकर एक दिन के लिए हड़ताल की है। बता दें कि ओपीडी पूरी तरह से बंद रखी गई है और मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि एक दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को लागू नहीं किया तो वहीं 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करके सभी तरह सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। भी कई बार ब्लैक वेजेस सरकार को जगाना चाहा, आज अगर हम देखें तो हरियाणा प्रदेश में लगभग 10,000 डॉक्टरों की जरूरत है, जिसकी एवज में 2,500 डॉक्टर सिर्फ काम कर रहे हैं और उनमें से भी जो चाहे पे स्केल समझे चाहे और समस्याएं समझे उनमें से भी लगातार वीआरएस ले रहे हैं। हमने सरकार से काफी टाइम से आग्रह भी किया, कई बार रोष प्रकट भी किया, लेकिन मजबूरन आज हमको ओपीडी बंद करनी पड़ी। डॉक्टर्स एचसीएमएस के डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी है, हालांकि हमने इनको बहुत समझाया था कि एचएम महोदय और डीजी महोदय के आदेश भी हैं कि स्ट्राइक ना करें, इनकी मांगों पे गौर किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी नहीं मौजूद हुए ओपीडीज में, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ओपीडी देख रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
Thank you.